बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज जुमेरात का दिन है, 21 सितंबर है। कल आपने जो 20 सितंबर को फ़ायदे हासिल किए ट्रेडिंग से, ख़ास तौर पर उस पर मुझे बेइंतहा खुशी है। रात की भी वीडियो में मैंने दुआएं दी थी और साथ आपको बताया था जो उस वक्त के सिनेरियो के मुताबिक मैंने आपको जो बताया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ। और जिन्होंने उस पर अमल किया वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फ़ायदा उठाया। और मेरी दुआ भी होती है, मेरी कोशिश भी होती है। वीडियो का मकसद ये है कि आपको जो ट्रेडिंग और गोल्ड के बारे में जितना भी कुछ बताऊं उसमें आपको फ़ायदा ही हो, आपको नुकसान आपके करीब भी ना आए। क्योंकि मेरी राय के मुताबिक, मेरी समझ के मुताबिक, जिसको नुकसान नहीं होता उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। नुकसान से बच गए तो समझें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो वीडियो का मकसद आपको मेनली नुकसान से बचाना है। नए आने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद, और जो पुराने हैं उनका तो मैं उनको तो सलाम पेश करता हूँ कि वो अपना वक्त निकालते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं और अपने लिए सोचते भी हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। और मेरा जो चैनल है वो उन्हीं की वजह से कायम दायम है, उन्हीं की वजह से लोग जो हैं वो मज़ीद आ रहे हैं और वो मुस्तफीद हो रहे हैं मेरी इस वीडियो से। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वीडियो से फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं। हमारी वीडियो दो आती हैं, नए आने वालों को बता रहा हूँ कि दो वीडियो रोज़ाना, एक सुबह 11 बजे और एक रात को 9 बजे के करीब हमारी वीडियो आती है और अपलोड करता हूँ। उसमें आपको सबसे पहला सेगमेंट होता है ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग के बारे में आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग हमें कैसे करनी चाहिए कि और क्या उसके लेवल्स हैं। मेरे जो ट्रेडिंग बताने का तरीका है, ना कोई ग्राफ है, ना कोई चार्ट है, ना कोई कैंडल्स हैं, ना नथिंग। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताता हूँ कि ये हमें करना चाहिए आज के दिन। और उसमें ये मेरी कोशिश ये होती है कि जो ऐसा बंदा जो बिल्कुल नाबल्द है ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग में फंस गया है, आ गया है और चाहता है, उसका भी हक तो है, तो वो उन लेवल्स को देखकर वहाँ पे बाइंग या सेलिंग एंट्री डाल ले और फ़ायदा उठा ले। तो हम बात करेंगे आज नैस्डैक की, 14,969 पे चल रहा है। रात को जब मैंने वीडियो अपलोड की थी तो वो 15,182 पे था। और आप देखिए कि कितना, एक मैंने आपको कहा था इसको हम सेलिंग की तरफ देखेंगे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम दोस्तों ने इस पर अमल भी किया, सेलिंग की तरफ हमने ज़्यादा देखा। और जो हमारा वैसे टारगेट यही था कि हम इसको सेलिंग में लेंगे और सेलिंग से फ़ायदा लेंगे, तो ये 15,969 पे आ गया है। अभी अगर ये इससे नीचे 14,850 तक जाता है तो, या इसके दरमियान में भी कहीं पे भी, हम इसमें आज बाइंग को देखेंगे दोपहर के वक्त से लेके, तो हमने इसको बाइंग में देखना है। फंडामेंटल डेटास भी मौजूद हैं जो कि ज़रूर मार्केट पे असर अंदाज होंगे, तो देखते हैं। रिट्रेसमेंट में इसने ऊपर आपको जाना है, 100 पिप्स का फ़ायदा हमने लेना है, 100 पिप्स हमने लाजमी लेने हैं, और इंट्राडे में 100 पिप्स आर एनफ। और मैं तीन चीज़ों में ही ट्रेडिंग को तरजीह देता हूँ क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, नैस्डैक, ऑयल और गोल्ड, तो इन्हीं की बात करते हैं। इसके अलावा ना कोई मनी पेयर्स और कुछ भी नहीं मैं बात करता हूँ। ऑयल 89.10 पे चल रहा है, और कल रात को जो मैंने बनाया था वो 90.34 पे था अच्छा, और वहाँ पे भी मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन ऑयल ने अभी ऊपर जाना है, लिहाजा आप इसके इर्द गिर्द कहीं पर भी आप इसको डाल सकते हैं अपना बाइंग की तरफ। अब आते हैं गोल्ड, गोल्ड 90 जो आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, गोल्ड 1926 पे चल रहा है। और कल जो हमने टारगेट दिया था, हमने बताया था कि 1944 इसकी सपोर्ट है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1947 से ये रिवर्स हुई है और उधर ये आ गई है कि जहाँ पर हमने 100 पिप्स का फ़ायदा, क्योंकि 1944 पे जब मैं वीडियो बना रहा था कल रात को तो आ चुकी थी और लोग मेरी सुबह की वीडियो देखकर सेलिंग में बैठ चुके थे, मेरे दोस्त वगैरह और मैं खुद भी। तो 1947 का इसने हाई लगाया उसके लगभग, तो थोड़ा सा लोग परेशान तो हुए थे,
लेकिन वो 20-30 पेप्स ऊपर नीचे होता रहता है, मामला ऐसे होते रहते हैं। जो लोग बैठे रहे उन्होंने 1926 तक तकरीबन 100 पेप्स 100% उन्होंने हासिल किए। मुझे मैसेजेस भी आए और मुझे खुशी भी हुई। मेरी खुशी इसी में है कि आपको फ़ायदा और नुकसान में मुझे आपका बड़ा दुख होता है। अब आज की बात करते हैं कि गोल्ड में आज क्या करना चाहिए। तो गोल्ड आज 1916 और 1913 सपोर्ट, इन जगहों पर हमने इसको बाइंग में बैठना है। हमने बाइंग के अलावा गोल्ड को आज कहीं नहीं देखना। बड़े गौर से बात सुना करें। आपकी वैसे मर्जी होती है, मैं कोई आप पर वो प्रेशर नहीं डाल रहा। आपको जिस तरह चाहिए उस तरह कीजिए, जिस तरह समझ में आती है। तो 1916 1913 इनके दरमियान हमने कहीं पे भी बाय ले लेनी है। और कोशिश तो ये है कि अब वैसे भी जब आप मार्केट को देख रहे होते हैं, आपने पैसा लगाया होता है, लगातार देख रहे होते हैं, तो फिर आप कहीं पे भी बाई का जो है, अगर जहाँ पे भी आपको समझ आती है वहाँ पे ले लेते हैं। तो बाइंग में बैठना है। 1941 जो है वो इसकी रेजिस्टेंस है, ये बात जहन में रख लीजिएगा। अब हम आते हैं आज के फंडामेंटल डेटास की तरफ। तो आज ब्रिटेन 4 बजे, ब्रिटेन मॉनेटरी पॉलिसी है, 4 बजे ही ब्रिटेन ऑफिशियल बैंक रेट है, 5:30 पे यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, इम्पॉर्टेंट डाटा है, यूएसए फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, इम्पॉर्टेंट डाटा है, यूएसए एग्जिस्टिंग होम सेल्स है, थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन है इम्पॉर्टेंट ही, यूरोप ईसीबी प्रेसिडेंट स्पीच है। ये फंडामेंटल डाटाज हैं जो कि 7 बजे 5:30 और 7 बजे आने हैं। तो ये आपने इनको देखते हुए भी ट्रेडिंग में अपनी जो अगर थोड़ी सी अल्ट्रेशन करनी है समझ के मुताबिक, तो वो ज़रूर और ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम आते हैं फिजिकल गोल्ड की तरफ। तो 2,18,800 रुपये फिजिकल गोल्ड यानी कि पीस का रेट बाइंग का है, 2,19,800 रुपये सेलिंग का रेट है। फिर रवि का 2,17,100 रुपये बाइंग, 2,18,100 रुपये सेलिंग। मैंने आपको काफ़ी दिनों से कह रहा था कि गोल्ड के कम होने के चांसेस जो हैं वो हैं, और तमाम निशानियां, तमाम बातें, तमाम साइंस, तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो गोल्ड को पाकिस्तान में नीचे लाने के लिए मौजूद हैं। लेकिन नहीं आ रहा था, कल भी आ गया था लेकिन फौरन ऊपर चला गया, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर चला गया था और कैलकुलेटेड रेट जो है वो ये आ रहा था। मैं कैलकुलेटेड रेट देता हूँ, ये बात जहन में रखिएगा। मार्केट शार्केट को बाद में देखते हैं, मार्केट उसी हिसाब से चलती है, ऐसी बात नहीं है। 19-20 का फ़र्क होता है। लोग ऐसे ही 100 रुपये 150 रुपये भी फ़र्क हो तो लोग इधर तनकीद शुरू कर देते हैं। तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना देखें, अगर आपको समझ आता है देखें, नहीं समझ आता ना देखें। अच्छा, तो वो रेट जो है वो कैलकुलेटेड रेट जो है वो कल ज़्यादा हो गया बाद में, तो पहले कम होगा। और तो मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी दिनों से ये चांसेस बन रहे हैं कि गोल्ड नीचे आएगा, लेकिन एक सिर्फ एक चीज़ है जो कि मुझे जो मैं जिससे हिचकिचाता हूँ इसको कंफर्म करने में, वो ये है कि आपका टैक्स लगने वाला है। और टैक्स लगने वाला हो तो मेरा ख्याल है कि सेलर जो है वो सेलिंग नहीं करेगा कभी भी, वो इस तरह का नुकसान नहीं लेगा कि जिसमें 35,000 रुपये टैक्स लग रहा हो और वो भेज बाज के फारिग हो जाए और कल उसे खरीदना हो तो 35,000 रुपये टैक्स ऊपर वो दे रहा हो। अभी हम बात करते हैं वो अपना करेंसी रेट्स की। तो डॉलर 293 रुपये 10 पैसे में बाइंग, 296 रुपये में सेलिंग। पाउंड 373 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 377 रुपये में सेलिंग। यूरो 320 रुपये में बाइंग, 323 रुपये में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 198 रुपये में बाइंग, 200 रुपये में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 220 रुपये में बाइंग, 222 रुपये 20 पैसे में सेलिंग। दिरहम 81 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 82 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। रियाल 78 रुपये 70 पैसे में बाइंग, 79 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 81 रुपये 57 पैसे में बाइंग, 82 रुपये 21 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 771 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 779 रुपये 25 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 799 रुपये 66 पैसे में बाइंग, 797 रुपये 66 पैसे में सेलिंग। चाइना येन 40 रुपये 48 पैसे में बाइंग और 41 रुपये 48 पैसे में सेलिंग। कुवैती दिनार 961 रुपये 30 पैसे में बाइंग, 970 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। मलेशियन रिंगट 63 रुपये 21 पैसे में बाइंग और 63 रुपये 81 पैसे में
ये सेलिंग हो रही है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना अपने घर वालों का भी इंतहा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल पे आते हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अल्लाह।